संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी लंबित मांगे मनवाने के लिए शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख अख्तियार कर लिया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं चरमराने की पूरी संभावना है। हड़तालरत कर्मचारी मुख्यालय स्थित CMHO कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी भवन के सामने तंबू लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने बताया कि शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बावजूद इसके अल्प वेतन में काम कर शासन की नीतियों के कारण कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं। नियमितीकरण एवं अपनी अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। नतीजतन उन्हें हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आंदोलन के रुख में करीब 20 साल से हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं। 8-10 साल तक तो मुझे लगता है कि चटाइयां ही उठाई है, कभी कभी आप लेट हो जाते हैं, लेकिन चटाइयां उठाने का काम ही किया 10-12 साल तक। आज से हड़ताल का आगाज किया है। ये हड़ताल मध्य प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन प्रदेश स्तर से हमने आह्वान किया है इस हड़ताल का। और ये हड़ताल हमने आह्वान तो प्रदेश संगठन के आह्वान पे किया है, लेकिन इसको समाप्ति हम जब तक हमको नियमितीकरण अथवा 90% मार्जिन 2018 की नीति के तहत जो 90% अन्यत्र विभागों में मिला है कर्मचारियों को, मुख्य मांग हमारी नियमितीकरण की है। यदि नियमितीकरण हमारा नहीं होता तो वर्तमान में हम अनिश्चितकालीन अनवरत जी कितने साल से नौकरी जी हम विगत 10-15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। कितने कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं? 750 कर्मचारी जी। क्या नाम लिखा? श्रीमती ममता हिरवे। विदा स्वास्थ्य कर्मचारी है जो पिछले विगत कई वर्षों से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, और कोरोना काल जैसा समय निकाला हम लोगों ने और शासन की कई जो योजना है उनको क्रियान्वित करते हैं, उन्हें जन तक लाभ दिलाने का काम हम लोग संविदा कर्मचारी करते हैं। और हम लोगों के साथ पिछले कई दिनों से जो शोषण की नीति चले आ रही है, कई वर्षों से शोषण की नीति चले आ रही है, उसके अगेंस्ट हम लोग आए हैं और नियमितीकरण हमारी सबसे पहली मांग है। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक शासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करे, हमारी मांगों को पूरा नहीं करते, जब तक हम लोग निरंतर हड़ताल पर रहेंगे। रूपेश गुप्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।